Subscribe to our channel and press the bell icon. एक और नौजवान, एक और यूथ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने वाले हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना क्या कारण है, क्या कुछ खास होने वाला है आज के दिन, तो आइए बातचीत करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? अमन दीप इंसा बोल रहे हैं हम जी। कहाँ के रहने वाले? पंजाब है, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक सादिका। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ मैम। जॉब करते हो? आज इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हर स्टेट से लोग पहुँचे हुए हैं, चारों तरफ लोग ही दिखाई दे रहे हैं, तो क्या क्या रीज़न है, क्या कारण है आज? आज हमारे गुरु का जामे इंसा का स्थापना दिवस है और इस डेरे को जब स्थापित किया था शाह मस्ताना महाराज ने सन 1948 में, उसकी आज 71 वरेगंड है और जामे इंसा की 12वीं वरेगंड है, इसलिए हम खुशी मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, आपने बाबा जी के फोटो का एक टी शर्ट पहना हुआ है, तो मतलब क्या क्यों पहनते हो आप ये सब और कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमें अलग ही ताकत शक्ति आ जाती है जब बाबा जी का शर्ट पहनते हैं। मतलब पहनने से ताकत फील होती है? हाँ, पहले से ही। तो आज के समय में गुरु जी पे कितना यकीन है आपको? अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा यकीन है, वो हमारे लिए सब कुछ है, बाकी सबको छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं छोड़ सकते। महिलाएं डेरे में कितनी सुरक्षित है? जितनी महिलाएं डेरे में सुरक्षित हैं और कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हर को अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा ज्ञान दिया जाता है, बाकी सब जगह पे आप जानते हो आज के समय में कितना कलयुग फैला हुआ है, कोई भाई बहन है नहीं किसी का भी, आजकल हर कोई गलत सोचता है, गलत विचार रखता है। डेरा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबको सच्ची शिक्षा और रब के ज्ञान के रूबरू कराया जाता है। समाज की अगर बात करें तो समाज को कितनी ज़रूरत है बाबा राम रहीम जी की और क्यों ज़रूरत है? बाबा राम रहीम की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं आज के समय नशे का दौर चल रहा है, नौजवान पीढ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको संभालने के लिए बाबा जी ने इतने सत्संग लगाए, इतने लोगों का नशा छुड़वाया और अब उनके जाने के बाद वही हाल, बुरा हाल फिर हो चुका है, उनको जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए और सब लोगों को नाम देकर सबका सुधार करना चाहिए। आगे भी लगातार आते रहेंगे डेरा सच्चा सौदा? हाँ जी, हाँ जी, आगे भी आते रहेंगे, कभी डेरा नहीं छोड़ेंगे। एक और चीज़ की, यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जो अनपढ़ है, अंधभक्त, आपकी क्या, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं जी, सभी, कोई अंधभक्त नहीं होता, कोई ऐसा बात नहीं होता, जिसको शर्त होती है वही आता है, क्योंकि लोग सोचने वाले, लोग तो सोचते रहते हैं, कहीं पर भी जाओ हर कोई सोचता है, कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है, जिनको जहाँ पे सब कुछ मिला है वही आता है, और जिनको नहीं मिला जब मिल जाएगा वो भी आने लग जाएंगे। जो कहते हैं कि हम डेरे नहीं जाएंगे, जो ऐसा नहीं करेंगे, वो हमारा सतगुरु है, अपने आप उनको खींच कर ले आएगा। तो ये थे हमारे साथ नौजवान यूथ, पढ़े लिखे नौजवान है, जिन्होंने बताया कि आज डेरा सच्चा सौदा का बहुत ही स्पेशल दिन है, स्थापना दिवस है, आज के दिन इनकी जो ये स्थापना दिवस की 71वीं वर्षगांठ जो ये है जो मनाने जा रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए, इन रियल फैक्ट्स के विचार आप सबको कैसे लग रहे हैं, तो देखते रहिए द फैक्ट आई। धन्यवाद।